मेरठ में छात्राओं से छेड़छाड़ की वारदातें रोकने का नाम नहीं ले रही हैं। ट्यूशन से घर जा रही छात्रा को बाइक सवार तीन मनचलों ने छेड़ने की कोशिश की और आरोप है कि जब छात्रा ने विरोध किया तो मनचलों ने उसकी स्कूटी में टक्कर मार दी और उसे जान से मारने की कोशिश की। इस घटना में छात्रा को गंभीर चोट आई है। फिलहाल युवती अस्पताल में भर्ती है जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को परिजनों ने पूरी घटना बताई है, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर इसके आधार पर पड़ोस के ही रहने वाले तीन लोगों पर छेड़छाड़ और जान से मारने की कोशिश के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की माने तो दोनों परिवारों में पहले से ही रंजिश चली आ रही है। पुलिस इस घटना को संदिग्ध मानते हुए जांच में जुटी है। सर पे बंदूक मारी है और मेरे को जीतू ने स्कूटी पे जा रही थी उसमें बाइक ठोकी है वो बैलेंस अनबैलेंस हुआ मैं गिर गई मेरे खिलाफ कल पता नहीं बहुत गंदी गाली दे रहे थे बदतमीजी कर रहे थे हाथ पाथ छेड़ रहे थे बहुत बदतमीजी कर रहे थे। आज दिन क्या हुआ जी? हमारी लड़की स्कूल से आ रही थी पढ़ते हैं तो स्कूल के पीछे से तीन लड़के बाइक वाले लड़की के पीछे लग गए और बदतमीजी से मतलब बोलते हुए आ रहे थे उससे हाथ पोसा आ गया और लड़की के साथ बदतमीजी करी उन्होंने बहुत ज़्यादा। अगर लड़की ने स्कूटी नहीं रोकी तो उन्होंने जो है मारने की कोशिश की इसे और उसके बोला कि अगर आप अपने घर पर जाकर क्या हो गए तो तुझे जान से मार देंगे तो लड़की डर के मार के बेचारी आगे चलती। उसी में आज एक पक्ष की लड़की स्कूटर से कहीं जा रही थी तो ये बताया गया कि उनके साथ कुछ छेड़छाड़ की घटना की गई है। जो पक्ष दूसरा पक्ष है उनके द्वारा उनके लड़के के द्वारा और ये वो वहाँ से स्कूटी से गिर गई है उनको थोड़ी चोटें आ गई हैं। इसके बारे में हम लोगों ने मुकदमा इमिडिएटली पंजीकृत किया है और ये जाँच की जा रही है कि उसमें छेड़छाड़ की घटना हुई है या केवल मारपीट या स्कूटर से गिराने की बात है। इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। फिलहाल हम लोगों ने इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और ये सामने आया है प्रथम दृष्टया कि दोनों पक्षों में पहले से भी बात चल रही है। तो ये वो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से योगी सरकार पर ये ऐसी घटनाएं सवाल उठाती हैं। मेरठ में छात्रा से छेड़छाड़ हुई और पुलिस इसे दो परिवारों के बीच रंजिश का मामला बता रही है और इस एंगल से जांच कर रही है, जबकि इस पूरे मामले में तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से इस लड़की को चोट आई है वो अस्पताल में भर्ती है और ये परिवार कह रहा है कि छेड़छाड़ की गई है, जान से मारने की धमकी दी गई इस लड़की को।